सुनो, घर का राशन खत्म हो गया और जो दुकान से पैसे आए थे उसमें मैंने गुड्डू की फीस दे दी है। राशन का बंदोबस्त कर लो अब। तुम फिक्र मत करो, हाथ पांव सलामत है मेरे। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई मेहनत मजदूरी कर लूंगा, तुम भूखी नहीं मरोगे। आरफा, हाँ क्या है? ये क्या है? नाश्ता और क्या है? ये कल की बासी दाल और रात की बची हुई रोटी, ये नाश्ता है? खाने के लिए यही है। खाना है खाओ, इस तरह की बातें मत सुनाओ मुझे। खुद तो तुम बाजार से खाने मंगवा के खाती हो और मेरे लिए ये बासी दाल और रात की बची रोटी है? मेरे साथ इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे कमा कर कुछ नहीं दे रहे हो जो मुझे बातें सुनाओ। ये मेरा घर है, खाना है तो यही खाओ और शुक्र करो, वरना एक सेकंड से पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी मैं। अभी नया मुतालबा शुरू कर दिया आपकी बहू बेगम ने। मुतालबा कहाँ किया है, सीधी सीधी धमकी दिया उसने कि अगर उसे अलग घर ना लेके दिया गया तो अब्दुल्ला को लेके चली जाएगी यहाँ से। जाने दो उसे, जान छूटे रोज रोज के तमाशों से। अम्मी ये सब कहना आसान है, अगर वो अब्दुल्ला को लेके चली गई ना तो पता लग जाएगा। उसे पता है कि अब्दुल्ला हमारी कमजोरी है, बस इसी का फायदा उठाना चाह रही है वो। अबू मैं तो कहती हूँ कि उसे एक दफा कर लेने दे शौक पूरा, जब अलग घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा ना तो खुद ही समझ आ जाएगी। सब किया धरा उसकी माँ का है, उसकी माँ ने ही उसके दिल में ये ख्याल डाला होगा अलग घर का। यार ये शाकरा का नाम तो मेरे सामने लिया ही मत करो। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया, हमारे रुहाब और अब्दुल्ला को हमसे अलग करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत बड़े जर्फ की है मिशाल, तभी तो अल्लाह इतना नवाजता है उसे, कंपनी की तरफ से इतनी बड़ी गाड़ी मिली है माशाल्लाह। और आपको पता है वो बड़ी गाड़ी उसने रुताब को दे दी,
सिर्फ इसलिए कि वो कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो जाए। और उदाब तो गाड़ी लेने के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने उसे ये कहकर कायल किया कि उसे बड़ी गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छी बच्ची है वो। मैं परवीन का ये मुतालबा तो किसी सूरत नहीं मानूंगा। एक बच्चा तो उसे संभलता नहीं है, अलहदा करके खाक संभालेगी, लेकिन उसका यहाँ रहकर शगुफ्ता और मिशाल को मुसलसल तंग करना भी तो ठीक नहीं है। कल मिशाल के साथ भी उसने बहुत बदतमीजी की, मुझे उसे पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन घर में तो मैं उससे बात तक नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है मुझे उसके ऑफिस जाकर उससे बात करनी चाहिए। बताएं, आजकल आप बहुत सोचने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ऑफिस की टेंशन है। आप ना ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया करें, चलें अब कॉफी पिएं और रिलैक्स हो जाएं। सुनो एक बात तो बताओ। जी बोले। मैं अपने ऑफिस की एक एम्प्लॉई को कुछ गिफ्ट देना चाह रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तुम मुझे बताओ कि मुझे उसके इनकार पे खुश होना चाहिए या उदास? आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए, उन्होंने जो किया वो उनका दिल था, और जो आपने किया वो आपका। आप ना बहुत अच्छे हैं और बहुत मासूम भी। अब जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लें। Shamin, you can't even imagine how happy I am right now. क्या बात है तुम्हें, शर्मा क्यों रही? ओ हाँ भाई, वो रस्म होती है ना शायद जान तुलन शर्मा की।
मैंने घरों का पता किया है, अच्छे अच्छे घर अच्छे अच्छे इलाकों में ना 1.5-2 लाख से तो शुरू होते हैं, इतना तो होगा किराया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इस घर में रहते हुए आपके घर वालों के साथ कोई होश और हवास में रह सकता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी 2 टोक कह रही हूँ, मुझे मेरा अलग घर चाहिए, वरना। वरना क्या, अब्दुल्ला को लेकर यहाँ से चली जाओगी ना, यही धमकी देने वाली थी। एक बात बताओ, तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? तुम्हारे घर पे तो तुम्हारी भाभी का कब्जा, तुम्हारे पास या तुम्हारी माँ के पास कोई ठिकाना है क्या? आप किस तरह औरतों की तरह मुझे ताने दे रहे हैं? मैं यतीम हूँ, लावारिस नहीं, बाप नहीं है सर पे तो क्या हुआ, माँ तो है। हाँ माँ तो है, और वो भी ऐसी माँ है जो 10 मर्दों पे भारी है। बहुत आला तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। आप फिर तंज कर रहे हैं ना मुझ पे? एक तो मैं आपके और आपके घर वालों की इस तरह बात करने से और तंज करने से तंग आ गई हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ तकलीफ क्या है, क्यों चाहिए तुम्हें अलग घर? कोई एक तकलीफ हो तो बताओ ना, आप गिरना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, और मेरा हक है, मैं नहीं रहना चाहती ससुराल वालों के साथ, मुझे मेरा अलग घर चाहिए, मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं किसी को बुला नहीं सकती, मेरी कोई सहेली आ नहीं सकती, कोई गलती से आ जाए तो आपके घर वाले तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो यानी कि तुम्हारी सहेलियों के लिए मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपए जाया करता हूँ, ऐसी? अच्छा चलिए ये बताए, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, इस घर में तो अलहदा कमरे नहीं है, एक ही गेस्ट रूम है जिसपे आपकी बहन ने कब्जा किया हुआ है, और वो गेस्ट रूम बहुत जल्दी खाली होने वाला मुझे नहीं लगता। देखो तुम्हारे इन फजूल प्लान्स के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, ना ही पैसे। घर तो मैं लेकर छोड़ूंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी, इस तरह तो नहीं रहूंगी मैं। परवीन और मिशाल, दो अलग अलग औरतें होने के बावजूद कितनी डिफरेंट सोच है इनकी। एक तरफ मिशाल है जो कंपनी से फर्निश अपार्टमेंट मिलने के बावजूद भी अलग रहने को तैयार नहीं है, और एक तरफ ये औरत जो हर कीमत पर अलग कर जाती है, जैसे किसी की परवाह ही नहीं, शायद अपनी औलाद की भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक औरत की अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम पूरे खानदान को यहां तक कि अगली नस्लों को संवार कर रखती थी। रुहाब, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मिशाल के ऑफिस क्यों गए थे? क्या मतलब, पूछना क्या चाह रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम्हें उसके ऑफिस जाना पड़ा, और वो बात घर में नहीं हो सकती? एक जरूरी बात करनी थी उससे, इसीलिए गया था। सर मुझे भी तो पता चले कि ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में जिसका मुझे इल्म। प्लीज सर आहिस्ता बात कर लो, अम्मी और अब्बू को ये बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ तो अच्छा है ना, अच्छा है ना कि अम्मी अब्बू को भी पता चले कि उनके नाक के नीचे क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। रुहाब, अगर तुम उसे पसंद करते थे तो मुझे बता सकते थे, मैं ना शादी करता उससे। तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मिशाल को तुम जैसे शख्स से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी सोच इतनी छोटी है। मैं मिशाल के ऑफिस से उसे ये बताने के लिए गया था कि उसे घर छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या तुम होते कौन उसे मशवरा देने वाला? पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अपनी राय देना। परवीन, तुम्हारी सोच में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा मुझे, वो भी मुझे और मिशाल को लेकर काफी शक की निगाह से देखती। मैं बस मिशाल को यह समझाने के लिए गया था कि वो इस घर को छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो जाए, ताकि मैं अपनी बीवी के साथ सुकून से रह सकूं, क्योंकि परवीन मुझे काफी दिन से अलग-अलग घर में शिफ्ट होने के लिए दबाव डाल रही है, और मुझे वहां जाके मालूम हुआ कि उसकी कंपनी वाले उसको एक फर्निश अपार्टमेंट दे रहे हैं जिसको लेने से मिशाल ने मना कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह इस घर में अपने घर वालों के साथ बहुत खुश है, उन टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं है जो अलग घर का मुतालबा करती है। उसको तो कंपनी ने एक ब्रांड न्यू गाड़ी भी दी जो उसने तुम्हें गिफ्ट कर दी, फिर भी तुम उसे शक की निगाह से देख रहे। शामिन भाभी जैसी अजीम औरत तो आपने खो दी, अब एक और हीरो का मत खोइएगा।
अपना घर किसे नहीं चाहिए उनका। हर औरत का हक है कि वो अपने ससुराल वालों से दूर अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारे। इसमें क्या गलत है? क्या बात है बेटा, तुम्हें घर क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? कोई मसला है या? अब वो मसला मुझे नहीं है, आपकी बहू को है। वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया बहू के साथ यहाँ कि वो हम सबको छोड़ के जाने पर तैयार हो गई? वो आप जानते तो हैं, और वैसे एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आप लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आप अपने तरीके से जिंदगी गुजार लेंगे। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अब आप परेशान मत हो। महीने का जो खर्च मैं आपको अब दे रहा हूँ, मैं बाद में भी इसी तरह देता रहूंगा। ये क्या बात की तुमने? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें पैसों की वजह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद वो नहीं था। ये तो मेरा फर्ज है और तो मैं हर सूरत अदा करूंगा। मुझे यकीन है बेटा ऐसा ही होगा, लेकिन देखो बात पैसों की नहीं है, इस घर को और हमें तुम्हारी जरूरत है। तो फिर खानदान वाले क्या कहेंगे? वो तो सौ सौ तरह की बातें बनाएंगे। वो कहेंगे कि पता नहीं क्या वजह थी कि बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए। अब वो आप ये बात मुझे समझाने के बजाय अपनी बहू को क्यों नहीं समझाते? बेटा तुम उसे नहीं समझा सके तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा? यही तो प्रॉब्लम है कि वो किसी की बात नहीं समझेगी, और मैं आजकल से सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहा हूं ताकि आप लोग सुकून से रह सके। तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मशाल को तुम जैसे शख्स से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी सोच इतनी छोटी है। उसको तो कंपनी ने एक ब्रांड न्यू गाड़ी भी दी जो उसने तुम्हें गिफ्ट कर दी, फिर भी तुम उसे शक की निगाह से देख। शामिन भाभी जैसी अजीम औरत तो आपने खो दी, अब एक और हीरो को मत खोइएगा। परवीन और तुम्हारी सोच में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा मुझे, वो भी मुझे और मिशाल को लेकर काफी शक की निगाह से देखती। मैं बस मिशाल को यह समझाने के लिए गया था कि वो इस घर को छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट हो जाए ताकि मैं अपनी बीवी के साथ सुकून से रह सकूं। क्योंकि वो इस घर में अपने घर वालों के साथ बहुत खुश है, उन टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं है जो अलग घर का मुतालबा करती है। परवीन जी, बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी पापा जान, कहिए। बेटा तुम ये घर छोड़ के क्यों जाना चाह रही हो? वजह मैंने अपने शौहर को बता दी है, किसी और को बताना मैं जरूरी नहीं समझती। और वैसे भी आप लोगों को तो मेरे जाने पर जश्न मनाना चाहिए, इतनी नफरत जो करते हैं आप लोग मुझसे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमसे किसी ने कह दिया कि हम तुमसे नफरत करते? कहना जरूरी नहीं होता, रवैये सब कुछ बता देते हैं। देखो बेटा, अकेले रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। बच्चे की देखभाल कैसे करोगी तुम अकेली? शौहर तो तुम्हारा रात को देर से घर वापस आता है। ये हमारा मसला है, हम संभाल लेंगे। ये किस लहजे में बात कर रही है बेटा? मैं तुम्हें सुसर बनके नहीं, बाप बनके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ बाप तो वही होते हैं जो पैदा करते हैं। मेरा ख्याल गलत था, सासु ससुर कभी माँ बाप नहीं हो सकते। बहरहाल ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। मैं तो सिर्फ इस बात से डर रहा हूँ कि तुम कहीं कमकली में कोई ऐसा फैसला न कर लो जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ठीक कह रहे हैं आप उपा जान, मैं ही बुरी हूँ, कमकल हूँ, जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ, और आप सब लोग फरिश्ते हैं। ये क्या फजूल बातें करनी शुरू कर दी तुमने? ये फजूल बात नहीं है पापा जान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग मुझे क्या समझते हैं। मैं बुरी हूँ, मेरा घराना बुरा है, मेरी माँ बुरी है, हम सब बुरे हैं। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जाने से रोक क्यों रहे? जाने देना, आप लोग भी खुश रहे और मुझे और मेरी माँ को भी खुश रहने दे। अब समझा, ये सब कुछ तुम्हारी माँ का सिखाया हुआ है। मेरी माँ का नाम मत लीजिए, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं घर छोड़कर जाऊं। मैं ये घर आपकी बेटी और आपकी भतीजी की वजह से छोड़कर जा रही हूँ। आपको अंदाजा नहीं है कि उनका रवैया कैसा है मेरे साथ। जब मौका मिलता है मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं वो लोग। बेटा तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। जाहिर है आप तो उन्हीं लोगों की साइड लेंगे ना, एक बेटी और एक भतीजी, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। बहरहाल तुम ये घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती करोगी, हो सके तो अपने फैसले पर नजर आसानी जरूर करना।
नफरत हो रही है अपने आप से। पता नहीं मैंने तुम पे शक कैसे किया, नहीं करना चाहिए था। दिल तो कर रहा है कि जमीन फटे और मैं समा जाऊं उसमें। खुदा प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। मिशाल आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। मेरे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मिशाल अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं सारी जिंदगी खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा। Can we please talk about something else? Nishad, please try and understand. I'm feeling extremely guilty. मुझे रोदा, please आप गाड़ी चलाएं और घर की तरफ ले लें। Please, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही। क्या? मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप please घर ले लें। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? आपके वालिद साहब ने इतनी बातें सुनाई हैं मुझे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरीके से मुझसे बात करेंगे। और आपकी बहन, उसने मुझे और मेरी अम्मा को इतना बुरा भला कहा है। देखो, इस बात को मैं तो नहीं मानता। अबू ने आज तक हमसे कभी सख्ती से बात नहीं की, तुमसे कैसे कर सकते हैं? और आपा का रवैया तो बहुत बदल गया है। आप नहीं जानते अपनी बहन को, बज़ाहिर बहुत मीठी बनती है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से जड़ें काटती है। सारा सारा दिन पप्पा पप्पी के पास बैठकर मेरी बुराइयां करती रहती है। उन्होंने मुझे भी यकीन दिलाया था कि आइंदा किसी मसले पे तुमसे या मुमानी जान से नहीं उलझेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्या हुआ होगा। आपने कहा होगा ना कि अलग घर लेना है, बस आग लग गई होगी सबको, इसी पे ये सारा फसाद शुरू हुआ है। आपको पता है पप्पा मेरे पास आए और कहने लगे कि तुमने अलग रहने का सोचा कैसे, अलग घर का सोचा कैसे। तुम ना शुक्री हो, तुम्हें कदर नहीं है अच्छे लोगों की, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अच्छा ससुराल मिले। वैसे मेरा ही हौसला है जो मैंने इतना अरसा गुजारा किया, कोई और होती ना तो दो दिन ना टिकती, दूसरे दिन अलग हो जाती। देखो फजूल बातें मत करो। हाँ हाँ, मैं तो फजूल हूँ, गलत बात ही करती हूँ। आपको तो जहर लगता है ना मेरा वजूद, तो जाके ले आए जो आपको पसंद है। अपनी ये बेहुदा बकवास बंद करो। ठीक है, आइंदा मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, अपना कोई दुख आपको नहीं बताऊंगी। दुनिया पता नहीं क्यों कहती है कि मियां बीवी का रिश्ता दुख सुख का होता है, लेकिन आप तो अपनी आवाज को धीमा रखो, पूरे घर को सुनाओगी क्या? क्यों क्यों आहिस्ता बोलूं मैं, क्यों आवाज धीमी रखूं? मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूं ना? तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं इस अजाब से निकलना चाहती हूँ, इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, उन्होंने जीना धोबर कर दिया मेरा। चले जाएंगे, इसमें इतनी बेसब्री की क्या बात है, थोड़ा सब्र कर लो ना, अच्छा घर ढूंढने में वक्त लगता है। अबू मैं तो कहती हूँ कि मान जाए उसकी बात, एक ही दफा उसे अलग हो जाने दे। कल रात भी रुहाब के साथ लड़ी थी और इतनी ऊंची आवाज में लड़ती है कि पूरा मोहल्ला सुनता है, और ये सब कुछ वो शाकरा मुमानी के कहने पर कर रही है। वो ही है जो वरगलाती रहती है, इसे हर वक्त उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती है। मैं तो जितना समझा सकता था मैं समझा चुका, वो तो पूरी तरह से अलग घर लेके रहने पे अड़ी हुई है। अबू इस वक्त उसे कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। हो जाने दे उससे अलग, खुद ही से कुछ दिनों में अक्ल आ जाएगी। तो रोशन आरा को चाहिए कि उसकी माँ को समझाए कि वो बेकार में उसे हमसे बदजन मत करे। अरे भाई, हम उसके घर वाले हैं, बहू है हमारी, वो हम उसके दुश्मन तो नहीं है। पागल करके रख दिया इसने हमें। बाबा जी आपकी क्लास से। अरे मेरा बच्चा, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बाबा जी आप भी अजीब बातें शुरू कर देते हैं, मैं नहीं रखूंगी आपका ख्याल तो कौन रखेगा? नहीं बेटा, बस मैं तो वो याद करता हूँ जब तुम इतनी सी थी और यहाँ वहाँ घूमती रहती। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई, एक दिन आएगा तो हमें छोड़ के चली जाओ। आप खुद भी उदास होते हैं और मुझे भी उदास करते हैं। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, पूरी उम्र यहीं रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। अच्छा बस चुप, अब जाके नाश्ता बनाओ, भूख लगी है मुझे। अभी लगाती हूँ।
लगता है आज फिर मियां बीवी में खटपट हो रही है। ये तो रोज रोज का तमाशा है अबू। रोजाना आपकी बहू बेगम कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा कर देती है और आजकल तो उसके सर पे अलग घर का भूत सवार है। रुहाब के आते ही रोना धोना मचा देती है और मुमानी साहिबा सर पे दुपट्टा बांध के बैठ जाती है। अल्लाह बचाए ऐसी खतरनाक औरतों के शर से। मैं तो कहती हूँ कल की जाती आज जाए, नाक में दम करके रख दिया हम सबके इन लोगों ने। मुझे शादी ज्यादा देर चलती नजर आ नहीं रही है। अगर ये हालात रहे ना तो रुहाब तलाक दे देगा उसको। अब फिर क्या करेंगे दोनों माँ बेटी? अबू मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं तो कहती हूँ कि होने दीजिए अलग, खुद ही कुछ दिनों में होश ठिकाने लग जाएंगे। और वैसे भी रुहाब ऐसी औरत को कब तक बर्दाश्त करे जो उसे घर का सुकून भी ना दे सके। परेशान होकर रह गया मेरा भाई बेचारा। शगुफ्ता मैं सोच रही हूँ कि ये पेंटिंग भी चेंज कर देते हैं, बहुत पुरानी हो गई है। अरे भैया इतना नया सामान कहाँ से आया? अबू मिशाल लेकर आई है कुछ डेकोरेशन का सामान और कुछ नया फर्नीचर। क्यों बेटा इसकी क्या जरूरत थी? मैंने भी इससे यही कहा था कि क्या जरूरत थी इस फजूल खर्चे की, लेकिन कहने लगी मेरा घर है, मेरा हक बनता है इसको चेंज करने का। लेकिन बेटा ये तो बड़ा कीमती और महंगा सामान है। अरे कोई बात नहीं दायाजान, इस दफा मैंने कुछ ज्यादा ही आर्टिकल लिखे थे, इस वजह से मुझे ज्यादा पैसे मिल गए, तो मैं सोचा घर के लिए कुछ सामान ले आऊं। अच्छा तुम ऐसा करो, जितना भी सामान आया है सारा मुझे आके चेक ले लो प्लीज। दायाजान आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? शर्मिंदा तुम कर रही हो, तुम बेटी हो इस घर की और ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। अगर मैं बेटी हूँ इस घर की तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से इस घर को डेकोरेट करूँ? अरे बेटा जैसे चाहो वैसे इस घर को सजाओ, लेकिन कम से कम पैसे तो मुझसे ले लो। फिर आपने वो गैरों वाली बात कर दी ना, पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं कमाए जाते, फैमिली और घर पे भी खर्च करने चाहिए। डैड और आप ही के बाद अब सिर्फ आप ही मेरा सब कुछ है दायाजान, और अगर मैं इस घर को डेकोरेट करना चाह रही हूँ तो इसमें आपको क्या एतराज है? ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा शगुफ्ता मैं सोच रही हूँ कि लैंप भी लाउंज में लेके चलते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा आइडिया है। और इस पेंटिंग का क्या करना है? नहीं लेकर आते हैं फिर इसको स्टोर में रख देंगे। फर्नीचर तो बहुत अच्छा है मिशाल, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? आप तो जानते हैं रदा मुझे इंटीरियर डेकोरेशन में कितना शौक है, तो बस घर से जाने का दिल चाह रहा था। तो ठीक है मिशाल, तुम अपना शौक जरूर पूरा करो, तुम्हारा घर है, लेकिन फर्नीचर पे इतना पैसा बर्बाद करना, मुझे तो उसका तुक नहीं समझ आया। इनफैक्ट अबू भी नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि तुमने अपने पूरे मंथ की सैलरी लगा दी सब, और वो चेक देना चाह रहे थे ना तुम्हें, जो कि तुमने लेने से इनकार कर दी। गलत बात रुदाब, ताजन रिटायर हो चुके हैं, मैं उनकी इतनी मेहनत की हुई सेविंग्स को घर की चीजों में उड़ा दूं? और वैसे भी ये मेरा शौक था, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहती थी कि मैं घर सजाऊं, उनके पैसे मैं क्यों खर्च करूंगी? मिशाल क्यों मुझे मेरी खुद की नजरों में गिराना चाह रही है? रुदाब आप ये क्या कह रहे हैं? यही जताना चाहती है ना तुम, के मैं एक बुरा एक कम हैसियत शौहर, और तुम एक कामयाब बिजनेस वूमन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ। जानता हूँ मिशाल, जानता हूँ कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं तुम्हें, दूसरों की मोहब्बत और सुकून के लिए तुम अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकती हो, लेकिन वो क्या है ना मिशाल के, अगर खैरात में तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है तो नहीं चाहिए। I don't believe this, Huda. आपने कल ही मुझसे माफी मांगी थी और मुझे यकीन दिलाया था कि आप इस तरह की टिपिकल बातें कभी नहीं करेंगे। आपकी अम्मा परवीन के नए वाले घर में शिफ्ट होने का सोच रही हैं। मैं भी देखती हूँ रुहाब कब तक बर्दाश्त करता है उन्हें। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या पता कि एक सास की जगह माँ के बराबर होती है। तुमने कभी मेरी माँ को इज्जत दी? अरे आपकी अम्मा को किसी का एहसास है भी? हर वक्त खाती पीती रहती हैं और मजलूम सी शक्ल बना के घूमती फिरती रहती हैं। तमीज से बात करो,
वो मेरी माँ है, वो कुछ भी करे, और ये घर उनका भी है और परवीन का भी। परवीन को तो खैर मैं एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात आपकी अम्मी की, तो उनसे कहिए अगर वो यहाँ पर रहना चाहती हैं, तो उनको मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा, वरना अपना सामान उठाएं और अपनी बेटी के नए वाले घर में जो किराए का मकान है वहां शिफ्ट हो जाएं, और अपने दामाद से कहें कि उनकी हर ख्वाहिश का पूरी तरह ख्याल रखें। एक बात मेरी याद रखना, मेरी माँ ने अगर तुम्हें यह घर दिया है तो वो तुमसे वापस भी ले सकती है। आप मुझे धमका रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने और अपनी अम्मा के जहन से ये बात निकाल के फेंक दें कि ये घर आप लोग मुझसे छीन सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी और आप तीनों को गिरफ्तार करवा दूंगी। क्या तुम हर वक्त पुलिस 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 की धमकी देती रहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? सब कुछ जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि ये घर मुझे कैसे वापस लेना है। हर वक्त ये फजूल बहस बकवास ना किया करो, जाओ जाके खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। जिस दिन आप नौकरी करके कमाने लगे ना, उस दिन इस तरह का धौंस मुझ पे जमाइएगा। अभी आप मेरे कमाई मुझे लाकर दे रहे हैं और मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप नौकरी करके कमाने लगे ना, उस दिन इस तरह का धौंस मुझ पे जमाइएगा। अभी आप मेरे कमाई मुझे लाकर दे रहे हैं। क्या बात है बेटा, तुम्हें इस खबर से खुशी नहीं? अबू क्या एक औलाद कम थी जो ये दूसरी? इस तरह तो कभी मैं सौरभ से अपना पीछा नहीं छुड़वा पाऊं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की माँ है, अब तुम उससे जान छोड़ाने की कोशिश कर रहा है? यही तो कह रहा हूँ अपना, क्या मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? पता नहीं अबू, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे परवीन की सूरत में अल्लाह ने कोई अजाब नाजिल किया मुझ पर। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। देखो बेटा, कभी कभी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से भी वास्ता पड़ जाता है। मेरी मजबूरी है अबू, घर का माहौल ठीक रखने के लिए अगर उसका कुछ नाजायज मानना पड़ रहा मुझे तो ये कि डील बुरी नहीं। तुम अगर कोशिश करो तो तुम उसे राह रास्त पे ला सकते, लेकिन तुम तो आंखें बंद करके उसकी हर फरमाइश पूरी करते चले जाते। इस तरह तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी बेटा। यहाँ से उसको सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि घर पहले जैसा हो जाए, आप सब लोग सुकून में आ सके। और तुम? मुझे तो उम्र कैद हो चुकी है, सारी जिंदगी इसी सजा के साथ गुजारनी पड़ेगी। डिनर क्यों नहीं किया आपने? नहीं, परवीन की बकवास सुनने के बाद दिल नहीं किया। आप परवीन की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आपको तो पता है उसकी आदत है, वो तो शुरू से ऐसी लेम बातें करती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर दिस, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मैं अपनी छोटी कार में कंफर्टेबल रख लो। रुदाब, मैं दी हुई चीजें वापस नहीं लेती, आप प्लीज इसे रखें। और मैं बीवी की दी हुई चीजों पे तराना पसंद नहीं करता, इसलिए ये तुम रखो।